वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी मैं पत्सी को घुमा के आ रही हूँ। इसका पत्सी का टाइम हो गया था बाहर जाने का, इसको वॉक करके वापस आ रहे हैं हम घर। पत्सी यार, तो हम आ गए वापस, तभी जाके देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। चलो चलते हैं पत्सी को, डेरा क्या कर रहा है देखते। तो यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, जैम क्या कर रहा है, यहाँ पे सफाई चल रही है, क्लीनिंग डे। जैम अपना बाइक का सफाई कर रहा है, तुम तो अपनी स्कूटी साफ करते रही हो। हे पत्सी, मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ तो करता हूँ अपना स्कूटी साफ। पत्सी हो जा रहा है भाई, बड़े मेहनत करके कमाई हुई पैसों की खरीदी हुई है, तो निरंतर साफ करना ज़रूरी है। अभी ये बाइक इसलिए साफ हो रहा है क्योंकि अब हम इसको निकाल के जा रहे हैं। well, नहीं निकाला तो अब भी साफ करता ही जाता है। नहीं, हाँ हाँ करते करते। हम सोच रहे थे कि ग्रोटो चले जाए, क्योंकि हमारा ये सीन है कि हम एवरी मंथ एक बार हम ग्रोटो जाके वहाँ पे कैंडल जलाते हैं मदर मेरी के पास। तो अभी बाइक भी साफ कर रहे, बाइक ही लेके जाते हैं क्योंकि बाइक से ही ईजी होता है वो रास्ता में जाना। हाँ, और राइड भी जाता है। मेरा नाक देखो गाइस, हाँ ओपन रूफ से निकले थे, ऊपर गए थे तो इतना रात को ठंडा ठंडा हवा रहा था, तो मेरा नाक ऐसे हो गया। आज आवाज़ भी लग रहा होगा आप लोगों को सुन के ना। ये देखो गाइस, जैम का टूल किट, ही इज सो ऑर्गेनाइज्ड। वो मेरा पर्स, बेल्ट, क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर उसका बाइक का क्लीनिंग थिंग्स है, क्या है ये पता नहीं, क्या क्या लेता रहता है ऑर्गेनाइज करने के लिए। इतना डब्बा खरीदता है बट ये बैग भी कुछ सो क्यूट ना, छोटा सा क्लीनिंग की तरह। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी प्रिपरेशन। बाइक साफ कर लिया, अब हम तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। हम आपको रास्ता दिखाएंगे, आज भी अच्छा वाला पहाड़ों का रास्ता। आई होप यू गाइज एंजॉय। टाटा। तो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। अरे तुम ये शू क्यों पहन रहे हो? हम तो राइडिंग लंबा वाला नहीं जा रहे ना। हाँ लंबा तो नहीं जा रहे, बट यार लाइक बूट खराब हो जाता है बार बार ना, ब्रेकिंग करके या पैर नीचे रख के, इसलिए मैं सोचा इसको यूज कर ही लेता हूँ। कंफर्टेबल है ना राइड करने के लिए। अरे चलने में भी कंफर्टेबल हो भाई। हाँ फिर तो सही है यार। वे भी इतना सारा सामान हाथ में लेके जाएंगे क्या? सब चीज बैग हम लेने, वो वाला छोटा इसके लिए एक बैग लेना पड़ेगा। मैंने वो भैया से बात किया था, केस डिजिटल वाले भैया से। हाँ। तो वो कह रहे वो छोटा वाला बैग जो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था वो आ गया है। पहले हम केस डिजिटल जाएंगे, वहाँ से थोड़ा हमें ब्लॉगिंग का सामान लेना है जो हमने सोच रखा है, जो हम ले तो वो लेके वी विल गो टू रॉयल एनफील्ड। क्योंकि मुझे फुल फेस वाला हेलमेट, क्योंकि मेरे पास ना हाफ वाला हेलमेट है तो बहुत मुश्किल होता है, धूल मिट्टी लग जाता है, तो मैंने सोचा कि फुल फेस ही ले लेती हूँ मैं भी, और बहुत हवा भी आता है हाफ फेस में, तो वो लेंगे। फिर वहाँ से हम सीधा जाएंगे ग्रोटो। बाय ओटू, मामा ट्रीट ही ला देगा। ओके बाय पुच्चू। ये देखो हमारे राइड, मेरा हैंडसम भाई इज रेडी टू गो नाउ। तो हमने एक बैग खरीदी है ब्लॉगिंग का सामान के लिए। हमने ये बैग खरीदा है और हमने ये दो माइक खरीदी है, एक जैम के लिए और एक नील के लिए, और हमने एक और बैटरी। तो ये देखिए हमने सामान भी रख लिया अपना ब्लॉगिंग बैग में। ये जगह है, इतना सारा जगह है इसके अंदर। अब जा रहे हैं हम रॉयल एनफील्ड की तरफ। इस साइड को भीड़ होता है यार, सिटी का साइड है। यहाँ सिलीगुड़ी में ऑलमोस्ट हर कुछ इसी साइड को है। मॉल्स भी आप इस तरफ से जा सकते हो। इस पार्ट को कहते हैं सेवक रोड, यहीं से पास में पड़ता है हांगकॉन्ग मार्केट। तो ये जो ट्रैफिक लाइट आ रहा है जो कि ग्रीन है, इसको पार करते ही लेफ्ट पे पड़ता है रॉयल एनफील्ड का शोरूम। ये सही लग रहा है ना? हाँ। कलर हाउ अबाउट कलर? कलर सब आया इसका। ये साइज सही है? हाँ टाइट है थोड़ा यहाँ से। ओके मतलब टाइट ही अच्छा रहेगा। हाँ टाइट ही अच्छा रहेगा, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। Let me see this side. Hi, looks good. तो we are now just billing my helmet and अभी बस helmet खरीदते और फिर चलते। तो फिर हम सिलीगुड़ी के भीड़ भाड़ के इलाके से निकलकर बाहरी रास्ते पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से सीधे थोड़ी दूर पे करीब 2 किलोमीटर दूर पे आता है सुकना और फिर वहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, करशंग की तरफ जाएंगे। सीधे अगर जाते हैं तो रोंगटोंग आता है, उसका प्रॉपर ब्लॉग बचा हुआ है तो होपफुली किसी दिन हम पूरी करेंगे। अभी तो चलो यार करशंग की तरफ चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 2:02 एंड वी होप कि अगले 1 घंटे में हम ग्रोटो तक पहुंच जाएंगे जो कि सेंट मेरीज हिल पर है। मैं आपको इस रास्ते के बीच के कुछ क्लिप्स को दिखाता रहूँगा, आप इसे एंजॉय कीजिए। फुल मज़ा है भाई इस रोड पे, इधर घूमो उधर घूमो, घूमते रहो चलते रहो। नाइस। बहुत चौड़ा नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ से राइट लेने के बाद फिर एक लेफ़्ट कट के बाद सुकना का मिलिट्री एरिया स्टार्ट होता है। तो मुझे हमारे मिलिट्री एरिया का रिस्पेक्ट रखते हुए रिकॉर्डिंग बंद कर देना चाहिए, तो मैं इसके बाद ये एरिया ख़त्म होने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा ट्रैफिक लाइट। चलो ग्रीन भी हो गया, सही टाइमिंग है राइट। यहाँ से राइट लेके हम जाएंगे करशंग, फिर आगे से वो दार्जिलिंग भी जाता है। ये जो सीधा लेफ़्ट, अब जो लेफ़्ट में जा रहा है रास्ता, यहाँ से भी जाता है बट ये पंखाबारी होते हुए चलता है। ये जैसे कि आप देख सकते हो यहीं से पहाड़ दिख रहे हैं। वेल, जो लेफ़्ट में वो तो करशंग नहीं है आई गेस, वो राइट में जो है इतने सारे दिख रहे हैं। यहाँ नीचे तो धूप है आज सिलीगुड़ी में, ऊपर तो मुझे लग नहीं रहा कि धूप है, सारा ढका हुआ दिख रहा है तो ठंड भी होगी शायद ज़्यादा। ग्रोटो जाएंगे, कैंडल जलाएंगे, फिर कहीं पे लंच करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। बस इतना सही प्लान है आज। घुस रहे हम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। करशंग यहाँ से बोर्ड के हिसाब से 13 किलोमीटर्स है। ये है टोल प्लाजा रोहिणी का। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, पानी तो ज़्यादा रहा नहीं यहाँ पे। तो गाइस वो दिख रहा है ऊपर राइट की तरफ करशंग टाउन। सैडली लाइटिंग अच्छी है नहीं, पूरा फॉगी है आज, पता नहीं यार किस तरीके का कवरेज आएगा। लेट्स सी। एक किलोमीटर रह गया गाइस और यहाँ से दार्जिलिंग है 33 किलोमीटर्स। किसी दिन दार्जिलिंग जाएंगे तो उसका भी आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे। वेल पूरा तो नहीं बट बिट्स एंड पीसेस में। अब हम घुस रहे हैं करशंग टाउन के अंदर। आप देख सकते हो जैसे कि घर हैं दोनों तरफ, साथ में पटरी भी चल रही है। अगर आप नीचे से आ रहे हो, फ्यूल आपने नहीं भरवाया तो ये पहला पंप पड़ता है लेफ़्ट में करशंग टाउन में घुसते ही, तो आप यहाँ पे रिफिल करा सकते हो फ्यूल। है करशंग का मार्केट, काफ़ी सारे लोग यूजुअली दिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक ही मार्केट है यहाँ पे। ये वन वे है, अगर आपको वापस जाना है तो ये नहीं है रास्ता। जो ये राइट पे है जहाँ पे ये गाड़ी मोड़ रही है, वहाँ से आपको जाना पड़ता है वापसी की ओर। थैंकफुली इतना अंधेरा भी नहीं है जितना मैं नीचे से देखकर एक्सपेक्ट कर रहा था, तो होपफुली ग्रोटो के वहाँ पे भी इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं होएगा। हम लोग बीच बीच में यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं और यहाँ पे शाम को वॉक करते हैं रोड पे। एक अलग ही फीलिंग है, ठंडी ठंडी ब्रीज़, एक अलग ही फीलिंग है जो कि आप सिलीगुड़ी में नहीं ले पाते हो बट यहाँ पे आपको मिलता है। ये जो आप ऊपर देख रहे हो राइट में उस दिशा में, ये नील का गांव है। तो नील यहीं पे रहती थी और वेल आजकल तो इतना जाना होता नहीं है यहाँ पे, बट ये वही जगह है जहाँ पे निलिशा रहती थी। तो अब हम फिर से बढ़ रहे हैं ग्रोटो की तरफ। थैंकफुली इतना अंधेरा, इतना ठंड तो नहीं है। वैसे जो हमने पहना हुआ है वो इनफ ही लग रहा है, बस थोड़ा सा नीस में मुझे ठंड लग रहा है। आगे किसी शॉप से कैंडल लेंगे, एक दो शॉप है शायद ऊपर, तो वहीं कहीं से कैंडल ले लेंगे ताकि हम चला पाएँ ऊपर ग्रोटो पे पहुँच के।